पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला चिकनी खड्ड पुल न बनने से लोग जान जोखिम में डालकर खड्ड को पार कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव में पार कर रहे स्कूटर सवार व पैदल जाने वाले यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। अगर जरा सी चूक हुई तो किसी की भी जान जा सकती है। आपको बता दें कि इस पुल से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रोजाना लोगों को बाजार जाना पड़ता है। 2 वर्ष पूर्व भारी बरसात से ध्वस्त हुए हिमाचल पंजाब को आपस में जोड़ने वाले चिकनी खड्ड पुल के न बनने से इस बरसात में भी लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं और 2 सालों से इस पुल का काम लटका हुआ है। हालांकि इस वर्ष ठेकेदार द्वारा पहले तो कछुआ गति से इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन उसके बाद भूमि विवाद के चलते इसका काम बीच में ही रुक गया था। लेकिन अब बरसात का मौसम शुरू होने से पुनः उफान का रूप ले चुकी ये खड्ड लोगों के लिए किसी को भी जी का जंजाल से कम नहीं है। ये पुल है जी, जैसे जो हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है, बरसात के मौसम में जब पानी ज़्यादा आता है तो गाड़ी और ऊपर क्रॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जी, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया टूटे हुए, 2 साल हो गए। हमारी मांग है कि सरकार को कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए, क्योंकि सरकार इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द इस पुल का दोबारा से जीर्णोद्धार किया जाए।